नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। और 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है कि बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें चांदी के सिक्कों की जो है संख्या निकालनी है। तो ये सिक्का जो है किस टाइप का हो सकता है दोस्तों? देखिए, सिक्के का जो है मोटाई दिया हुआ है 2 mm और इसका व्यास दिया हुआ है, यानी कि ये सिक्का जो है आपका बेलन हो सकता है। ये सिक्का जो है क्या हो सकता है? बेलन के टाइप का, क्योंकि मोटाई दे दिया। ठीक है, तो ये जो है सिक्का आपका इस तरह का होगा, बेलन के टाइप का। तो यानी कि इस जो बेलन का आयतन होगा, इसके आयतन से तुलना कर देंगे तो हम लोग को सिक्के की मोटाई निकल जाएगा। ठीक है, सिक्के का जो है मोटाई नहीं, सिक्के का कितने सिक्के तो जो है एन सिक्के मान लिया जाएगा। और एन इंटू जो है इन सिक्कों का आयतन बराबर इस आयतन के बराबर कर देंगे तो आराम से जो है सिक्के कितने हैं वो निकल जाएगा। यहाँ पे जो है इसका व्यास दिया हुआ है 1.75 इसका व्यास है। और इसकी मोटाई कितनी है? तो इसकी मोटाई 2 mm है, 2 mm है मोटाई। तो mm को आप लोगों को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, और यहाँ पे जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, इसको जो हम लोग ज्ञात करते हैं। ये घनाभ है, घनाभ की बीमाएँ दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दिया है, घनाभ की बीमाएं कितनी है? घनाभ की बीमाएं दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दिया हुआ है सिक्कों का व्यास दिया हुआ है, यानी कि किसका? सिक्कों के व्यास का मतलब क्या समझोगे? तो सिक्कों के व्यास का मतलब आप लोग समझोगे बेलन का व्यास। सिक्कों के व्यास यानी कि दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? तो त्रिज्या बराबर आपका हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब सिक्कों की ऊंचाई दिया हुआ है, सिक्कों की ऊंचाई दे रखा है, यानी कि h बराबर 2 mm। 2 mm, 2 mm को हम लोग अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो एक सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो यानी कि 10 से इसमें भाग देना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10, 1/5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे? अब हम लोग मान लेंगे कि माना चांदी के सिक्कों की संख्या n है, माना चांदी के सिक्कों की संख्या n है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कक्षा 10 के सभी विषय की तैयारी कराई गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का नोट रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम मान लेंगे कि माना चांदी के सिक्कों की संख्या n है। तो अब हम लोग को जो है सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों, ये जो आयतन है, इसी आयतन के बराबर n सिक्कों की संख्या से गुणा करके इसके आयतन में, माने इस सिक्के के आयतन में n से गुणा कर देंगे तो यह जो आयतन होगा इस आयतन के बराबर होगा।
और इससे एन का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे, अतः यन चांदी के सिक्कों की आयतन, यन चांदी के सिक्कों का आयतन आयतन बराबर हो जाएगा ये आयतन, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और गुणे 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बट्टे में जो है क्या हो जाए, बट्टे में सॉरी बट्टे में अभी नहीं करेंगे, अब यहाँ पे जो है सूत्र लिखेंगे, यन चांदी और चांदी के सिक्कों की संख्या का आयतन के लिए क्या करेंगे, ये बेलन का आयतन लिखेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, ओके, और बराबर इसको लिख देंगे 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एन बराबर इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पे 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 ही रहेगा, बटे में जो है क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब 5.5 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या, बटे में 10 लिख सकते हैं, और गुणे 10 को 10 से रहने दीजिए, ठीक है। अब गुणे 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं बटे 10, मतलब 35/10 लिख सकते हैं। इसके बाद से दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/, देखिए पाई का मान 22/7 होगा, तो 7/22 लिख देंगे पलट के, तो 7/22 लिख देंगे, और इसको दोस्तों आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर को, अब मान लीजिए इस चूँकि ये बट्टे में है, तो 1/, भाई बट्टे में है तो बट्टे में लिखना है, तो 1/ हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर का मतलब 1.75, अब 2, और 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए 1/1.75 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इंटू यच, तो यच को हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है, तो 1/h का मान कितना है, मोटाई कितना है, 1/5, ठीक है, मैंने ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जो है क्या लिख देंगे, अब देखिए दोस्तों 1/, मैंने भाई इसका मान लीजिए ये हर है, तो हर को बटे में अगर इसको लिखना है तो ऊपर 1 मान सकते हैं, ठीक है, तो ऊपर 1 और बटे में 1/5 एच का मान दिया हुआ है, 1/5 है, ठीक, तो 1/5 रख देंगे। अब इसको पलट के लिख देंगे क्योंकि बटे में है, भिन्न बटे में है, तो इसको पलट के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5, अब 1/5 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बटे अब इसको जो है 55, अब 10 लिख सकते हैं, इसके बाद से 10 है तो 10/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और गुणे 35/10 लिख सकते हैं, आ गुणे 7/22 लिख सकते हैं, ये जैसे है वैसे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको जो हम लोग पलट के लिख सकते हैं 2/1.75 लिख सकते हैं, और गुणे जो है इसको भी पलट के लिख सकते हैं, तो 2/1.75 लिख सकते हैं। अब जो है क्या करेंगे दोस्तों, देख लीजिए कटने वाला है तो काट दीजिए, अभी 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 11 से काट दीजिए, 11 5 55, 11 दूना 22, अब भाई 2 से कट जाएगा, फिर यहाँ 2 है तो ये 2 से कट जाएगा, अब जो है फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर 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 कर दीजिए, फिल्टर करने का मतलब अब ऊपर जो इतना बचा उसको लिख लीजिए, तो ऊपर बच रहा है 5 × 35 × 7, और कोई बचा ऊपर, 5 × 35 × 7 ऊपर बच गया, और नीचे देखिए तो क्या बचा, नीचे जो है क्या बचा देखिए, तो 1.75, 1.75 × 1.75 दोस्तों, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं 1.75 को, ये तो बट्टे में रहेगा ही,
गुणे 35 गुणे 7 तो रहेगा ही ऊपर और नीचे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 175 अब बट्टे में 100, क्योंकि दशमलव के बाद दो स्थान है तो दशमलव के बाद 2 को 0 लिख लेंगे, माने 1 2 को 0 लिख सकते हैं बट्टे में, ठीक है। इसके बाद से इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 175 अब बट्टे में 100, ओके। अब इसको तो चूंकि भिन्न में है तो इसको हम लोग पलट के लिख देंगे, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 बटे, अब देखिए 5 5 तो ऐसे ही रख देंगे, तो 5 गुणे 35 गुणे 7, और इसको अब पलट के लिख देंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, 175 नीचे आ जाएगा, गुणे 100 ऊपर आ जाएगा, 175 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 से ये कट सकता है या 5 से भी कट सकता है, 5 5 आप 5 से काट दीजिए, 5 5 15, 5 5 25, फिर जो है 35 से 35 कट जाएगा, फिर 7 से कट सकता है, 7 दूना 14, 7 में 4 जा 3, 7 5 35, 7 दूना 14, 7 में 4 जा 3, 7 5 35, 25 चौको 100, 100 का जो है 4 का जो है, 25 चौको 100 हो गया, 4 का 100 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 400, यही आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 400, तो सिक्कों की संख्या बराबर 400, देखिए मैंने यन हम लोगों ने सिक्कों की संख्या यही यन का मान है ना, ये सब जो है क्या यन लिख सकते हैं, बराबर यन, ठीक है। तो यन का मान कितना निकला है 400, यन बराबर 400, और यन हमने क्या माना था, सिक्कों की संख्या माना था, ठीक है। तो यन बराबर 400 आंसर हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा, और सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।